इधर बड़ी खबर शिमला से भी है। शिमला में भारी बारिश के बाद तबाही मची है। रामपुर के साथ लगते 15-20 इलाकों में भारी तबाही। श्रीखंड की पहाड़ियों में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। कुरपंड, समेज और गानवी खड्ड में भी बाढ़ आ गई। समेज में करीब 19 लोग लापता हैं। 24 मकानों समेत कई गाड़ियों के चपेट में आने की सूचना है। स्कूल भवन और औषधालय भी बाढ़ में बह गए। शिमला जिले के गानवी में भी बारिश के बाद तबाही है। बागीपुल बाजार के साथ बहती खड्ड ने तबाही मचा दी है। एसडीएम रामपुर घटना स्थल के लिए रवाना हो चुके। तो शिमला में भी भारी बारिश के बाद तबाही का मंजर है, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। रामपुर से विधायक नंदलाल जी हमारे साथ इस वक्त खबर अभी तक पर बातचीत के लिए। नंदलाल जी, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को लगातार तबाही की तस्वीरें, और हर साल बरसात के मौसम में तस्वीरें सामने आती हैं। नंदलाल जी, काफी लोग लापता भी हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए क्या किया जा रहा है, लोगों को इस परेशानी से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है, आपके पास क्या जानकारी है, चर्चा करना चाहते हैं? हमारे पास जानकारी नहीं है। आई एम अबाउट टू रीच द स्पॉट। ऐसा है कि यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में जो दो लोग स्टैंडर्ड थे उनको निकाल दिया गया है टू ए सेफर प्लेस, और जानकारी के मुताबिक अभी करीब 35-36 लोग मिसिंग है। उनका जो है अब सर्च जारी है, उसके लिए ITBP के लोग, देन यू हैव पीपल फ्रॉम NDRF, देन यू हैव पीपल फ्रॉम CISF, ये सारे दे आर इन प्लेस, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन भी ऑन है। हमारे DSP, हमारे SDM साहब, DC and SP, एवरीबडी इज इन स्टेशन स्पॉट, तो सब उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को सुपरवाइज कर रहे हैं। नंदलाल जी, रामपुर के दत्त नगर में दो शव भी मिले हैं, दो डेड बॉडीज भी मिली है, हमारे नुमाइंदे ने इसकी तस्दीक की है। बिल्कुल मिले। तो आप इलाके के दौरे पर हैं नंदलाल जी? हाँ, मैं दौरे स्पॉट पर ही पहुंचने वाला हूँ मैं। अच्छा, हाँ, वहां से जाने की दिक्कत आ रही है अभी, बट इट्स ऑलमोस्ट ट्रू नाउ, हो जाएगा। पावर प्रोजेक्ट को भी काफी नुकसान की खबरें हैं। बिल्कुल, वो भी पावर प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है। वो जो मिसिंग लोग हैं उनके बारे में थोड़ी वो है दिक्कत है, क्या मैं नो कैसे उनको ट्रेस किया जाए, दैट इज ओनली प्रॉब्लम। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में भी दिक्कतें आ रही है नंदलाल जी? नहीं, वी आर ऑलमोस्ट थ्रू नाउ, रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। बेहद शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।